दिनांक 22/6/2024 को तकरीबन 1 से 1:15 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक चूब नाम का बंदा है, उसने घर पे फांसी लगा ली है। वैसे हम पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचे, वहाँ बारीकी से जब पहले उनको उतार के फिर हॉस्पिटल ले गए और वो जो जगह की जांच किया तो वहाँ पे हमें एक सुसाइड नोट मिला। और डॉक्टर जब उनको मृत घोषित कर दिए तो वो सुसाइड नोट में कुछ सुपारी व्यापारी है जो कि उसके बच्चे के, उनका जो लड़का है उसके साथ में कुछ लोग व्यापार करते थे और व्यापार का कुछ लेन देन था और वो लेन देन के ऊपर से कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ व्यवहार में ये होने के कारण इसने मानसिक तनाव में आकर इन्होंने फांसी लगा ली। इस कारण से ये व्यापारियों ने जो इनको मानसिक टॉर्चर किया और धमकियाँ दी, इस कारण से इनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, ऐसे फिरियादी जी को फिरियादी की मृतक की जो पत्नी है उन्होंने यहाँ पे फिरियाद देने के ऊपर से इनके ऊपर जो व्यापारी आरोपी है इनके ऊपर 306 के तहत हमने मामला दर्ज कर लिया है। तपास अभी आगे चल रहा है, तपास के दौरान अब तक के 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, तपास अभी जारी है। नहीं, अभी ये कितने रुपए का मामला था ये अभी तक सामने नहीं आया है, अभी इसमें तपास चल रहा है, आगे की जानकारी आपको दी जाएगी।